की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिसका उपयोग हर एक क्लिनिक और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा किया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम है दोस्तों डाइक्लोफेनेक सोडियम। वैसे तो यह इंजेक्शन एक आम इंजेक्शन है, एक नॉर्मल इंजेक्शन है, बट यह इंजेक्शन हर एक दूसरे पेशेंट को दिया जाता है। किसी को दोस्तों यदि किसी को सर दर्द हो रहा हो, तो इंजरी हो रही हो, जो इंजरी वाला पेशेंट है उसको भी यह इंजेक्शन दिया जाता है, या किसी को बॉडी पेन हो रहा हो उसको भी यह इंजेक्शन दिया जाता है, फीवर हो रहा हो तब भी यह इंजेक्शन दिया जाता है, किडनी स्टोन होता है उसमें पेन होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसमें भी यह इंजेक्शन दिया जाता है, या फ्रैक्चर आदि में भी इस इंजेक्शन को देते हैं, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है उसमें भी यह इस इंजेक्शन को देते हैं, और लो बैक पेन होता है उसमें भी इस इंजेक्शन को देते हैं। इसके साथ साथ एक इंजेक्शन और दिया जाता है जिसका नाम है डेक्सामेथासोन भी इंजेक्शन इसके साथ में लगाते हैं। इससे जो इसके काम कार्य करने की पावर होती है वह बूस्ट होती है, यह बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कार्य करता है। दोस्तों मेरी एक सलाह होगी, डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन होता है यह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, या किसी पेशेंट को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं दिया जाना चाहिए। डेक्सामेथासोन अगर लंबे समय तक लेते हैं दोस्तों इसका एक बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट आता है दोस्तों, यह हानिकारक हो सकता है यदि आप लंबे समय तक लेते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल ऐसे मेडिकल नॉलेज। Thank you.